हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीएस ब्लॉग्स। मैं हूं विशाल आपके सामने और आज मैं हूं इन वादियों के बीच, पहाड़ियों के बीच आया हूं। हम लोग जा रहे हैं रूट पे हैं और हम लोग जा रहे हैं भीमताल। हल्द्वानी से आए हैं और हम लोग भीमताल जा रहे हैं। वहां पर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है, कैसे आना है, क्या क्या प्लेसेस घूमने के लिए हैं और कितना खर्चा आता है, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद। जिंदगी को भी इस रास्ते की तरह खूबसूरत और हरा भरा होना चाहिए। आप भी हमारे साथ इस सफ़र को पूरा एंजॉय करें। नैनीताल 41 किलोमीटर से, पर हम पहले भीमताल जाएंगे। ये है हमारी भीमताल की झील और ये है इसकी मेन सड़क और सामने है हमारा ये होटल जिसका नाम है पैराडाइज इन, जिसके अब अंदर भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा हमारा रूम है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ हम आज घूमेंगे, उसके बाद कल का क्या प्लान है, सब आपको वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हम लोग होटल में चेकिंग कर चुके हैं। ये भाई साहब हमारे साथ हैं, हम चार लोग हैं और ये हमारा रूम है, आपको दिखा रहे हैं। बकायदा ये डबल ऑक्युपेंसी वाला रूम है, एक डबल बेड इधर पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा है। हम चार लोग हैं और आपको दिखाएंगे किसका जो सीनिक व्यू है कितना प्यारा आ रहा है। देखिए, मेरे पीछे विंडो है बकायदा और ये देखिए पूरा सीनिक व्यू आ रहा है झील का, भीमताल की झील का। होटल का नाम क्या है? पैराडाइज इन। हाँ, होटल का नाम है पैराडाइज इन, बिल्कुल झील के सामने पड़ता है भीमताल में। और इसका चार्ज हम लोगों ने काफ़ी बार्गिंग करने के बाद काफ़ी डिसेंट पे किया है, बस 2000 है इजीली। तो अभी आपको इसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ। भाई, ये इस होटल की टेरिस है, ज़बरदस्त चीज़ है। और ये व्यू है, गजब लोकेशन। तो अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो चुके हैं, 20 रुपए किलो भी लगा रहे हैं, पैसे लगाने के लिए टहलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। चाय भी ले ली हम लोगों ने और उसके बाद देखते हैं कुछ एक्टिविटीज करते हैं। बोटिंग वगैरह है, काफी चीजें यहाँ पर भीमताल में पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है। तो आज तो टाइम हो गया है लगभग 3:30, तो आज देखते हैं बाहर क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिलहाल तो बोटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। चलो बोटिंग का देखते हैं क्या चार्जेस वगैरह है, कैसा क्या है। और हम लोग यहाँ से बोटिंग करेंगे, देखते कितना क्या चार्ज है। अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई का, मुंबई का, विदेश का, सब जगह हमारी बोटिंग। अरे यार गजब। तो ये बताओ, फोर मोदी जी आपका नाम बता रहे थे, बुढ़ापी में फोटो खींच लो, जवानी में होगी हमारी, देखो आपको। सही बात है, जवानी है क्या तो बीतते, यही काम। 11 साल की उम्र से यही तो काम कर रहे हैं। ये बताओ, चार आदमी का 350 है। आगे ला भाई, बोझ ला 50 मत।
बढ़िया देना कोई बढ़िया 50 नंबर देंगे मतलब पेडल वाले से करना चाहिए टोटल बढ़िया टनाटन हां टनाटन नहीं आता है आज नीचे वोटिंग करने जा रहे हैं नहीं नहीं पानी अंदर नहीं वोटे हैं तो आज का पहला दिन जो हम लोग आए हैं तो हम लोग करने जा रहे हैं वोटिंग ये हमारी वोट है भाई साहब तैयार कर दिए हम लोग बैठने जा रहे हैं वोटिंग करेंगे जो कोई भैया आप ही टाइम मारोगे मेरा फोन गिर गया कर दो आप ही से उम्मीद है कोई नहीं जाएगा कोई भी जाए मिलना तो नहीं कितना गहरा होगा ये खूब सारा ये चप्पू चला के बोटिंग आप लोग भी आइए और मजे से यहाँ बोटिंग करिए बहुत अच्छा मौसम है और आज तारीख कितनी है तारीख छोड़िए आज हम लोग का पहला दिन है तो हम लोग 4 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे और हम लोग अब कल का भी दिखाएंगे कि हम लोग कल क्या करने वाले फिलहाल तो ये हमारा पहला आज का जो है वो क्या कहते हैं एक्टिविटी है बोटिंग इस झील में ये हैंडल वैंडल घुमाओ यार इसमें हैंडल भी लगा हुआ है और आप देखिए चारों तरफ का व्यू और ये बहुत ही बेहतरीन है बहुत ही खूबसूरत है और हमारा होटल इस लेक के जस्ट आगे है अंदर तो नहीं जा रहे हैं साइड पर पानी वो होना है वो देख रहा उनको टच मत करना ये देखिए ये बच्चे लोग चला रहे हैं ना इधर बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन व्यू ईटिंग मैगी मैगी खाने का असली मजा तो भाई हिल स्टेशन पे ही है भीमताल में हर चीज हमको अच्छी मिल रही है यहाँ की लोकल मार्केट है ये यार थोड़ा टहलने पर वही लोकल मार्केट है यहाँ पर खाने पीने का सामान मिल जाता है और चीज़ें आप खरीद भी सकते हो यहाँ पर आप जॉर्बिंग भी कर सकते हैं मेरे पीछे है जॉर्बिंग बॉल बॉल जॉर्बिंग इन मीम का इसके चार्जेस हैं 200 रुपीज़ पर हेड आप दो लोग चार लोग इसके अंदर जा सकते हैं